आरुषि के हत्यारे उसके माँ बाप नहीं, नौकर हेमराज ने नहीं की, ना ही कोई बाहरी शख्स है। तो आखिर आरुषि का हत्यारा है कौन जिसे सीबीआई नहीं ढूंढ पाई? सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस पर पूरे देश को भरोसा है, जो बड़े से बड़े केस को सुलझा लेती है, आरुषि के हत्यारों का पता लगाने का जिम्मा भी इसी एजेंसी को सौंपा गया। सीबीआई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन 9 साल के बाद भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी आरुषि के हत्यारे को नहीं ढूंढ सकी। ऐसे में सवाल ये कि गलती आखिर कहां हुई? दोनों हाथ पीछे बांध के वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, क्योंकि उस क्राइम सीन से कुछ फायदा नहीं मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिले, ना वेपन ऑफ ऑफेंस मिला, ना डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रिंट्स मिले, तो इसलिए वो एक मेजर त्रुटि थी इस इन्वेस्टिगेशन में, जो शुरू से और जो सीबीआई कवर नहीं कर पाई। हर हत्या के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, और सीबीआई तलवार दंपति को हत्यारा मानती थी, लेकिन तलवार दंपति ने हत्या क्यों की, इसका जवाब सीबीआई के पास अब तक नहीं है। हम लोग मोटिव नहीं निकाल पाए ये अभी तक, क्योंकि हर मर्डर में कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, कोई कारण होना चाहिए। तो वही तो मैं आपको समझा रहा था कि 10 बजे रात तक सब ठीक है और 1 बजे दो लोग की डेथ हो गई। अब ये क्यों हुई, क्या हुआ, ये सिर्फ मतलब गेस वर्क चल रहा है कि ये हो सकता था, ये भी हो सकता था। आरुषि हत्या की शुरुआती जांच यूपी पुलिस कर रही थी, और यूपी पुलिस ने इस हत्या के पीछे अलग ही थ्योरी बताई थी। उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल हालत में आरुषि और हेमराज बोलो सर बोलो, उसके बाद हेमराज का कत्ल शत पर किया गया, बाद में आके कत्ल के बाद उन्होंने विस्की भी पी और उसके बाद उन्होंने आरुषि का कत्ल किया। यूपी पुलिस के गैर पेशेवर रवैये ने इस केस को और उलझा दिया, सबूत नष्ट हो गए और सीबीआई असली गुनहगार तक नहीं पहुंच सकी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।